बिहारी हैं और हम बिहारियों के लिए छठ पूजा से महत्वपूर्ण और कोई पूजा ही नहीं होता, तो इसी बात पे एक बार छठी मैया की जय। सो अभी जो है दोपहर के 2 बज रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि इतना लेट हम व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, बट कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन ओवर देयर। एंड आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है छठ पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे बिहार के फेस्टिवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज का व्लॉग थोड़ा अच्छा बनने वाला है, तो आप लोग देखना क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि आज हमारा छठ का दूसरा दिन है यानी कि खरना का पूजा होने वाला है। तो खरना का पूजा में क्या क्या रिचुअल्स होने वाले हैं सब कुछ अपन डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन अभी क्या है कि अभी हम आए हुए हैं घाट पे, क्योंकि क्या है कि जितने दिन छठ पूजा होगा ना सारे दिन मम्मी को क्या है कि घाट पे आके गंगा जी में नहा के ही सारा रिचुअल जो होता है वो परफॉर्म करना होता है, मतलब स्टार्ट करना होता है बेसिकली। सुबह के 6 बजे से उठ के अपन व्लॉग अपलोड करके घाट बनाने गए थे। घाट बनाने की जो प्रक्रिया है ना, मतलब शुरू से लेके अंत तक बहुत ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गंदा होते हो आप, ठीक है। तो अभी जो है आज के दिन हम लोग ने 50% ऑलमोस्ट 50% जो है सरफेस को स्टेबल कर दिया है, कीचड़ नहीं है, दलदल नहीं हुआ, और कल सुबह जो होगा वो हम लोग जाएंगे उसको सजाने के लिए, गेट वगैरह लगेगा प्रॉपर फूल वगैरह से, आम का पत्ता वगैरह सब कुछ सजने वाला है घाट हमारा। आज वाला ब्लॉग जो है छठ पूजा का सबसे मेन ब्लॉग जो है आज ही शूट होने लगा, क्योंकि आज जो है खरना है, समझ रहे हो, खरना में मतलब अलग नेक्स्ट लेवल का वाइब्स आते हैं, बहुत नेक्स्ट लेवल का। अभी जाते हैं मार्केट तो आपको सारे सीन्स आपको हम दिखाते हैं। जय भैया, हैप्पी बर्थडे। आज जय भैया का बर्थडे भी है, खरना भी है। तो अभी जो है हम लोग बाजार जा रहे हैं खरना का प्रसाद खरीदने के लिए, बहुत प्यारा सा अभी सनसेट होने वाला है। ऐसा जाम में गाड़ी कैसे चलेगा, ये देखिए। अरे रोड पर लगा देता ना, दिक्कत। गमछा वाला चच्चा रोड पे ही लगा दिए गाड़ी, खड़ा करना था उसके लिए। ये हमारे गांव के कुछ गलियां। ये ऑटो वाले भैया क्या कर रहे हैं, ऑटो वाले भैया बेसिकली क्या होता है कि छठ पूजा में खरना के दिन सारा प्रसाद वगैरह खरीदाता है मार्केट से ही। ईख होता है वो मेन होता है, यहाँ पे गागर नींबू जिसको हम लोग ऑरेंज कहते हैं, बड़ा वाला ऑरेंज है ये होता है। केला सबसे मेन होता है, और ये जो आप बद्दी देख रहे हो, ये माला टाइप का जो देख रहे हो ना, ये भी मेन होता है। ये जो टेबल पर बिछा हुआ आपको दिख रहा है ये पात है, ये हर एक सूप में डलता है, और ये कैसे होता है सब कुछ ये आपको कल वाले व्लॉग में पता चलेगा। और आपको एक बात पता है, छठ पूजा इतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए इसलिए होता है ना कि यहाँ पे अगर किसी के पास पैसे नहीं होते ना, वो भी पैसे लोगों से मांग मांगे इस तरीके से सूप में छठ करता है। और छठ पूजा में सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि हर लोग एक दूसरे का मदद करते हैं, अगर वो पैसे से वीक है तो उसको पैसे देते हैं, अगर उनके पास प्रसाद नहीं है तो प्रसाद दिया जाता है। तो यही छठ पूजा की मेन बात होती है, जो हर लोग मिल बांट के करते हैं, एक दूसरे के साथ करते हैं, और इसी वजह से हर लोग छठ पूजा में अपने घर आते हैं और एक साथ छठी मैया का पूजा करते हैं। और अभी जो है सारा सामान रखा चुका है गाड़ी में, पीछे भी रखा चुका है, और हम जो है पूरी तरीके से थक चुके हैं, पसीना हो चुका है, पूरा टी शर्ट जो है पूरा स्वेट से भींग चुका है, एंड अभी घर जाने का टाइम है, क्योंकि घर में भी पूजा अभी स्टार्ट होने वाला है, तो वो सारे जो पार्ट है वो मिस नहीं करना है मुझे, इसलिए अभी चलते हैं डायरेक्ट घर, क्योंकि वही तो मेन पार्ट है खरना का जो कि आपको दिखाना है। हम लोग कपड़ा इस तरीके से सामान रख के घर जा रहे हैं। अजय भी अपनी वाइफ के लिए भी कपड़ा ले लिए है नया नया। अजय भी कैसा रहा शॉपिंग? मैं अपने लिए तो नहीं लिया हूँ। अच्छा, बेटा पृथ्वी के लिए खरीदा हूँ। ब्रिगेडियर से एक स्पेशल डिस्काउंट में मिलता है हर चीज। बाबू भैया है यहाँ के, बाबू भैया सबको 10%, इनको 19%। अभी जो है पूजा हो चुका है, अभी फोटो सेशन हो रहा है।
खुश रहो खुश रहो खुश रहो। यहाँ पे रील्स बन रहा है। ये तीन जो आप प्रसाद देख रहे हो अलग अलग, ये तीन लोगों के लिए है। तीन न्यूज कहते हैं बेसिकली इसको। सो यही है मेन प्रसाद छठ पूजा का। बाल में तेल लगा हुआ, घने काले सिल्की बाल। अच्छा एक बात बताए निशा दी, ये सिंदूर नाक तक काहे करते हैं? यहाँ तक भी डालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डालते हैं। अब पीला साड़ी काहे पहनते हैं? इस फोटो में पीला सूट होता है, पीला और लाल। प्रसाद खा लिए घर में? यस। कैसा लगा? डर डर के फोटो खींचने पापा का। तो बेसिकली ये रोटी है, घी लगा हुआ, ये खीर है गुड़ वाला, ये तुलसी पत्ता, ये केला, ये छाली, ये गुड़। केला का पूरा उठा हुए है, बोले रिकॉर्डिंग में नहा, इसे से पूरा हिला दिए है कैमरा को। भारी खाने से लिए? अरे ये खाली हाथ में थे। हम उठाए हुए थे, बोले रिकॉर्डिंग में। तुम शेक कर रहा होगा। अच्छा हो गया। ये खीर आप नॉर्मल डे में बनाते हो तो ऐसा टेस्ट नहीं आना जो इस दिन बनता है। तो जस्ट इन केस अगर आपके फ्रेंड फैमिली या कहीं भी छठ हो रहा है तो खरना का प्रसाद एक बार जाके खाओ, फिर आपको पता चलेगा। कैमरा में ऐसे जस्टिफाई नहीं हो पाए, समझ लो। बताइए बरकप्पा, खरना क्यों मनाया जाता है? खरना सूर्य भगवान का जो पूजा होता है उसकी शुरुआत खरना से होती है। इसमें कुल देवता वगैरह का पूजन किया जाता है। मतलब खरना बेसिकली कुल देवता का पूजा होता है? हाँ, कुल देवता का पूजा होता है। जैसे सूर्य भगवान हो गए तो छठी मैया कौन है? छठी मैया पुराने समय में किसी ने कुछ प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान की पूजा किया था। वो के बाद उसी समय कोई षष्ठी देवी पैदा ली थी सूर्य भगवान का पूजा करने के उपलक्ष में। अच्छा। तो उसी समय से षष्ठी देवी की पूजा होती है। आपके लिए जैकेट आया है फर वाला। क्या कहिएगा? हस्बैंड है, गिफ्ट लाया। आधा घंटा लगा सिर्फ जैकेट ढूंढने में। अच्छा, ये तो झूठ बोल। हाँ। और 19% डिस्काउंट भी दिया है। तो वो तो मार्केट में मिलता ही, सबको 10% देता है। अच्छा, तो भैया ब्रिगेडियर है। हाँ, तभी तो कहे बाबू भैया, बाबू भैया। अच्छा, हस्बैंड कह रहे हैं कि पहन के देखिए, बीवी कह रही है कि बाद में पहनेंगे। क्योंकि हमने दिवाली में फटाखा नहीं जलाया था, इस वजह से आज खरना में हमने माहौल सेट कर रखा है। अभी जाते हैं फटाखा फट से जलाते। ये क्या था? कुछ भी। फटाखा का स्टॉक लकी के पास, इसका है दूध भात। उल्टा रख दी निशा दिया। अभी तक नचड़ा है ये। बेवलेट बने हुए हैं। वाओ, रिकॉर्डिंग। ए नहीं जलेगा ये, छोड़ो हटाओ। ए जलेगा ये? देखो मोमबत्ती जलाई हो, फुलझड़ी जलाने बोले थे। नहीं जला, जा जा। ये देखिए बंद हो गया। अभी तो दिख ही नहीं रहा आजकल कौन ले। और नीचे और नीचे और नीचे जा, ये ठंडा पड़ गया रखता। अबे रुको ना भाई, ऐसे बोल कर रहा है जैसे फट जाएगा वो। इतना बम मारेंगे कि पूरा गांव धुआं धुआं कर देंगे। फट जाएगा। ऐसे रखो, इसको यहां से निकालिए इसका। ये अगले सीजन खतरों के खिलाड़ी में जाएंगे। भागिए निशा दीदी। पुण्य कमा रहा है भाभी का पैर दबा के। हम कमा लिए पहले। पृथ्वी, तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। खरना का जो हमारा पूजा था वो, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसा ये पर्व लग रहा है। अभी एक ब्लॉग और आने वाला है संस्कृत और सुबह वाला रख का, लेकिन वो कल आने वाला है। लेकिन इस वाले ब्लॉग को देखना मत भूलना, क्योंकि ये वाला ब्लॉग में बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे फीलिंग्स और बहुत सारे टेस्ट जो रखे हैं। बहुत सारे पटाखे भी और बहुत सारे एडवेंचर भी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाने का, ठीक है? Yes. बाकी सब बढ़िया चल रहा है अपना। आप भी अपने घर में सेफ रहो, हेल्दी रहो। जय छठी मैया। जय छठी मैया। मिलते हैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में, यानी कि कल।
कल छोड़ेंगे इसको। क्या किया निशा दी आप? कल छोड़ेंगे। अरे अपने आप ही निकल गया, देखो ना ये फट के निकल गया।